आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एन एलिवेटर कार वॉज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, स्टार्ट्स असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। After 2 seconds of start, a volt begins falling from the ceiling of the car. Find the time after which volt hits the floor of the car. आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक हमारी एलिवेटर लिफ्ट है ये। उसमें मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में आपको वोल्ट दिखाया हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है सीलिंग से लेके उसके फ्लोर तक वो 2.7 मीटर में दी है। आफ्टर 2.7 की कोई सिचुएशन होगी, ये लिफ्ट 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रही है, तो इसकी कोई सिचुएशन होगी तो लिफ्ट कहीं ऐसा कहीं पहुंच चुकी होगी। आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पर कहीं कुछ बॉल जब वो उसको छोड़ देगा, मतलब फॉल होने लगेगा, तो इस पॉइंट पे आके इसके पास कुछ वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, जो लिफ्ट की वेलोसिटी भी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं पहले। देयरफॉर आफ्टर टू सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ वोल्ट जो होगी वो होगी अपनी यू प्लस, मतलब जीरो इनिशियल प्लस 1.2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम 2 सेकंड्स के बाद, तो वेलोसिटी ऑफ वोल्ट जो आएगी हमारी 2.4 मीटर पर सेकंड। सेम हमारी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट भी होगी, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जो मैं बोल सकता हूँ। और डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो हमारा आएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1.2 इनटू 4, तो एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 2.4 मीटर। ओके, अब हमें क्या देखा गया है, और ये हमारा वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ पहुँच के इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग ही हो जाएगा। हमें टाइम पता करना है जब वो एलिवेटर के फ्लोर को टच करता है, वोल्ट एलिवेटर के फ्लोर को हिट करता है, तो इस टाइम पर क्या होगा, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। यहाँ पर ये एक बोल्ट होगा जिसका कुछ वेलोसिटी होगी 2.4, और इस लिफ्ट के पास भी इस टाइम पे वेलोसिटी आ चुकी है 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। और इस लिफ्ट को जो जी का एक्सेलरेशन नीचे हमेशा लगेगा, और इसका डिस्टेंस हमें दिया गया है 2.7। इस टाइम ये फ्री फॉल हो रहा है, मींस उससे हट चुका है, तो इस टाइम की सिचुएशन क्या होगी, हमें दिया गया है एक्सेलरेशन जो लगेगा इस वोल्ट पे, और इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिफ्ट पे जो अभी भी लग रहा है वो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन हम जो देखेंगे इस टाइम पे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जो आएगा ये 9.8 जो कि हमें पता है ये जी है, माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि जो ऊपर का डायरेक्शन है माइनस 1.2, तो ए बी ई जो आएगा वो आएगा हमारा 9.8 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस, हमसे पूछा कितना टाइम लेगा वो सीलिंग तक आने तक, तो हमारा डिस्टेंस गिवन है हमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें गिवन है 2.7 है ये 2.7 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, अप साइड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 2.4। एक सेकेंड, गलतियों की वजह से यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस यू टी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। मैं बताता हूँ क्यों होगी, एक्सेलरेशन हमको दिख रहा है कितना है 11 इंटू टाइम हमको फाइंड करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी लिफ्ट की है वो भी हमारी 2.4 है आफ्टर 2 सेकंड्स। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, जो वेलोसिटी किसी को नहीं आया, तो वेलोसिटी ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2.4 माइनस ऑफ 2.4, दोनों अपसाइड डायरेक्शन में, तो नो नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू जीरो, जो कि मैंने यहाँ रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू उठा के रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्व करने का जो आंसर आएगा 2.7 इक्वल्स टू 11 बाई 2 टी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.7
2.7 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा, हमारा आंसर आएगा वो आएगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 27 अपॉन 55 इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2.7 सेकेंड्स, ये हमारा टाइम आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब हमें ये टाइम हमारा फाइंड हो चुका है, इतने टाइम बाद वो हिट करेगी। अब हमारा दूसरा पार्ट है द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो बी पार्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो एस हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब देखोगे बॉल की तो वो 2.4 ही दिखेगी आपको, क्योंकि ग्राउंड की कोई वेलोसिटी है नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे इसकी वेलोसिटी ग्राउंड की जीरो होती है, इसकी ग्राउंड की और जो बॉल आपको दिख रही होगी उसकी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकंड आपको अपसाइड डायरेक्शन दिख रही होगी, और एक्सेलरेशन वो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड दिख रहा होगा। तो 2.4 इंटू टाइम आपको 1.7 में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है प्लस हाफ एक्सेलरेशन -9.8 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा -9.8, सॉरी वो मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन लगेगा वो लगेगा -9.8 क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ऊपर से ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ग्राउंड का कोई एक्सेलेरेशन है नहीं है जो वॉल पे लग रहा है जिसके मैं आपको इसमें से माइनस करूँ, इसलिए ग्राउंड हमारा जो रेस्ट में है। तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.7 का होल स्क्वायर। देयरफॉर एस इक्वल्स टू आप फाइंड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -0.72 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्ट, तो सबसे पहले इस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वॉल जो है वोल्ट जो है उसको देखेंगे कितने टाइम बाद वो रेस्ट पे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड दी है 2.4 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलेरेशन हमको पता है, तो डायरेक्टली हम जो रेस्ट में आएगा उसके लिए टाइम निकालते हैं। पहले टी वन मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 2.4 होल अपॉन 9.8 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन एक्सेलेरेशन जो आया हमारा। देयरफॉर जो टी वन आएगा हमारा, हम कैलकुलेट करेंगे इसको, वो आएगा 24 अपॉन 98 इक्वल्स टू 0.245 सेकंड्स। ये हमारा वो टाइम है व्हेन जब वो हमारा जीरो आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वोल्ट बिकम जीरो आफ्टर दिस टाइम। इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी वो इसकी जीरो हो जाएगी, तो मतलब इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.245 सेकंड्स जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा बाय प्रोजेक्टाइल, आप देख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो ऊपर तक जाएगा प्लस नीचे का डिस्टेंस हम निकालेंगे अभी, तो इतने टाइम के लिए तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, तो हम डिस्टेंस की इक्वेशन की मोशन लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है इसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू s1 प्लस s2। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें s1 क्या है, s1 हमारा मैक्सिमम हाइट है जब तक वो जीरो डिस्टेंस पे गया, उसकी डायरेक्टली इक्वेशन सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट और ऐसे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं uy स्क्वायर अपॉन 2ay करते हैं हम, प्लस टोटल डिस्टेंस जीरो वेलोसिटी से नीचे आने में जो लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ जी, जो कि जी लगेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, टी स्क्वायर, टी हमारा माइनस टी नॉट, क्योंकि उतने टाइम का डिस्टेंस हम यहाँ निकाल चुके हैं टी नॉट स्क्वायर। देयरफॉर हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा आंसर, वेलोसिटी हमें पता है 2.4 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 9.8 प्लस हाफ जी, हमें पता है 9.8, टी हमने निकाला था 0.7 माइनस
0.245 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को फर्दर तो आपका आंसर आएगा 1.3 मीटर। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है जो कि S1 प्लस S2। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो S1 मैंने निकाला है वो ये S1 है, ये जो S1 जो मैंने निकाला है वो S1 ये है, और S2 मैंने निकाला है वो S2 ये है। S1 में आपने डायरेक्टली कुछ नहीं किया है, S1 के लिए आपने ये जो वॉल है जो इनिशियली आपको 2.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है, और उसके लिए आप जैसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं उतनी मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड की इसके लिए, जो कि कैपिटल एच आप नाम देते थे, यू स्क्वायर अपॉन 2g से आप निकालते थे, डायरेक्टली वो हाइट निकाली है आपने, वही हाइट ये है जो मैंने लिखा है। और S2 हमारा जब मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो की स्पीड से जब वो नीचे जितना हाइट अटेंड कर लेगा तो मैंने उस टाइम की स्पीड डिस्टेंस निकाली है और दोनों को ऐड कर दिया है, तो आंसर आपका आ गया, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।